मोमेंट, वो फीलिंग के बारे में बताइए जब आपको जो कंट्री उपाधि से प्राइड. नवाजा गया, और क्या यस, कहना चाहेंगे? सो मैं यही कहना चाहूंगी कि इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. सबसे पहले तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करना इस कैटेगरी में सबसे पहली बार, वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था. एंड व्हेन जब नाम अनाउंस हुआ स्टेज में, एंड यू नो दैट फीलिंग विद द फ्लैग ऑफ इंडिया, एंड यू नो फॉर ऑल द वुमेन स्पेशली, ये मेरा एक ब्यूटी विद पर्पस मिशन था जो मैं हेड कर रही थी, एंड उसमें इस तरह का अवार्ड लेना वॉज लाइक यू नो अ विनिंग पॉइंट फॉर मी कि ओके आई हैव लिव्ड माई मिशन. एंड दैट मैसेज फॉर एवरी वुमेन अराउंड द ग्लोब दैट यस, इफ आई कैन डू इट, एवरी वन कैन डू इट. सो या और जो जैसे मैंने सबसे पूछा कि बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाली है जो महिलाएं हैं, yes. थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में हमें शेयर करें. yeah. आपके फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? विक्की भाई आपका टैलेंट हैंडल करते हैं, yeah. उनकी तरफ से कितना सपोर्ट मिला? क्या कुछ मेहनत लगी है? क्या कुछ हार्डवर्क लगा? या हार्डवर्क तो जैसा कि मैं आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ शाहरुख खान, सो मैं उनके रील्स फॉलो करती हूँ, और वो बोलते हैं कि सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, अगर सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड. सो यस, मेंटली फिजिकली मुझे काफ़ी कुछ उसमें लगता है, लाइक यू नो फ्रॉम वॉर्डरोब से लेके, फ्रॉम फोटोशूट से लेके, और आपके जो वॉक्स पे जो हमें ध्यान देना पड़ता है, हर चीज़ उसमें मेहनत लगती है. जिसमें सपोर्ट तो बहुत बड़ा था, लाइक विक्की जी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, ही हैज ऑलवेज मोटिवेटेड मी. इनफैक्ट मैं जा रही थी उसके 6-3 महीने पहले मैं इनसे मिली थी, एंड कहीं ना कहीं मैं बहुत नर्वस थी, बट इन्होंने बहुत मुझे यू नो मोटिवेट किया कि नहीं आपको करना चाहिए, इट विल बी अ वेरी गुड दिस थिंग फॉर द वुमेन आउट देयर इन ऑल ओवर द ग्लोब. प्लस मेरे हस्बैंड जो यहाँ हैं अतुल्या, ही बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर, हिज सपोर्ट हैज ऑलवेज मैटर टू मी. उनके बिना लाइक बच्चों के साथ रहना, एंड देन वो, और मेरे बच्चे ऑब्वियसली आई हैव 3 kids, सो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, माई फादर, माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी. एंड मिसेज इंडिया इंक, जो कि जिन्होंने मुझे द डायरेक्टर मोहिनी मैम, शी हैज चोजन मी फ्रॉम हर साइड एंड सेंट मी टू द मिसेज ग्लो, दैट वॉज अ बिग सपोर्ट फ्रॉम हर ऑल्सो. दे हैव स्टाइल्ड मी एंड एवरीथिंग. सो या I really am in gratitude to the universe. Yeah. विक्की भाई, आपसे जानना चाहूंगा, नई ऑफिस की ओपनिंग हो चुकी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कितना क्या फीलिंग है, और बहुत सारा काम ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ही, थोड़ा सा अगर बताएं कि ऑफिस ओपनिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आप कर रहे हैं, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें. सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और ये ऑफिस ओपनिंग की बात है तो कहते ना कि कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, तो हमने, आप लोगों ने खुद ही ऑलरेडी देखा है हर जगह पे कि कहाँ क्या हमने कैसे किया है. तो ऑफिस में ऑफकोर्स प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो रही है, जैसे कि द ताज स्टोरी है, महाकाल नगरी आने वाली है, सटडाउन आने वाली है, द व्हाइट कोट, अभी नाम नहीं बताना था लेकिन वो भी आने वाला है. तो कई सारे प्रोजेक्ट है, और कहीं ना कहीं एक जगह होना चाहिए नए टैलेंट को ढूंढने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए कि आपके अंदर क्या एनर्जी पावर है, आप कैसे ग्रोथ कर पाओगे, कैसे करना है आपको. तो यही है, और मैं यही हमेशा चाहता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं तो उनको एक अच्छा फील हो, अच्छा एनर्जी आए, उनके अंदर एक ऊर्जा आए जो और भी अच्छा बेहतरीन कर पाए, क्योंकि उनके टैलेंट की वजह से हमारा भी नाम होता है, और ऑफकोर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम लोग, और सपोर्ट से ही आगे होता है. तो ये है, ऑफिस ओपनिंग हो गई है, मैम ने जो है इतना प्राउड फील कराया, थोड़ा सा बताइए कि आपके कितना हार्डवर्क लगा है, और जब आप मिले थे तो कैसे आप लोग ऑन बोर्ड आए, और किस तरह की जर्नी रही है आपके लिए स्पेशली, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें. यस बिल्कुल, प्रज्ञा जी जो है एक अपने आप में एक टैलेंटेड है, और इनके अंदर जो होता है कि आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए, तो मैंने देखा, और ये ऑलरेडी लोगों को सिखाते हैं. जब हमने मिला इनसे तो मैंने कहा कि पहले तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने टैलेंट में वही ढूंढता रहता हूँ कि किनके अंदर क्या है. तो जब मैंने इनको देखा, और इनको ये हजारों लोगों को टैलेंट मतलब ऊर्जा देते हैं, और ये आज मतलब ऐसा, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके अंदर जो काबिलियत है, जो ये बता सकते हैं दुनिया को. और फिर मैंने धीरे, बस मैं ऐसा ही कहते गया कि जब मैं एक गाँव से लड़का मुंबई में अपना चीज एस्टेब्लिश करना, ऑलरेडी आपके पास सारे ताकत है, सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, और आप एक खुद एनर्जेटिक हो, आप लोगों को इतना मोटिवेट करते हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते.
तो ऐसा ही रहा, फिर थैंक यू फाइनली इन्होंने मुझे कहा कि एक इवेंट है और मैंने ये इवेंट की सिंगिंग बहुत अच्छी करती है, तो मैंने कहा कि इसको हम स्टार्ट करते हैं, जब तक भी इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो चीजें नहीं आएंगी। फिर इन्होंने इनके अंदर भी था नहीं मुझे करना है, तो वही मैंने कहा कि जब आपके अंदर एक ताकत होता है कि नहीं मुझे कुछ भी करना है तो करना है, तो जस्ट मेरा छोटा सा एक पुशअप था कि हाँ अगर कुछ होता है हमारे वजह से या किसी भी व्यक्ति वजह से आपको बोलने से अगर कुछ हो जाता है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए कभी भी, तो वो इनके अंदर खुद ही पावर है और इन्होंने फिर उस चीजों पे काम किया, मेहनत की और रात दिन कम्युनिकेशन करना, तो इनके अंदर मेरे कहने का मतलब ये कि इनके अंदर खुद ही टैलेंट है और बस छोटा सा एक सपोर्ट था जो मैंने हमेशा कर रहा हूँ मतलब हमेशा करूंगा क्योंकि अच्छे इंसान को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और ये खुद जो है मैंने जैसे कहा कि बार बार कि ये ऐसे एक एनर्जी पावर इनके अंदर है जो ये लाखों की भीड़ में ये अपनी बात को रख सकते हैं, कर सकते हैं, सिंगिंग चाहे ले लो आप या ये खुद ही कोच हैं, लाइफ कोच, तो उनके लाइफ कोच हैं जिनके बारे में एक शब्द से व्यक्ति का जिंदगी बदल सकता है, तो है इनके अंदर पावर। और ऐसे ही पावर हमें हमारे पास भी आ जाते हैं जो हमारा भी एनर्जी इनके वजह से बढ़ता है और हम एक अच्छे कोशिश करते हैं अच्छे काम करने के लिए, तो यही है। थैंक यू सो मच विक्की जी, थैंक यू। तो आपने इतना सारा तारीफ तो कर दिया, आपने कहा कि बहुत अच्छे सिंगर भी है, क्या कोई प्रोजेक्ट भी प्लान कर रहे हैं आप लोग दोनों साथ में? अगर यस हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो पे हम लोग करेंगे और मे बी वो जल्दी उसका डेवलपमेंट करेंगे हम लोग, पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हो जाए, जैसे म्यूजिक को करने के लिए म्यूजिक सारी चीज को करना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है, तो हम लोग करेंगे और अच्छा करेंगे, पॉजिटिव के साथ करेंगे और बस ऐसे ही हम लोग करते हैं आगे बढ़ते रहे। और खास करके जो हमारे सर फर्स्ट टाइम मिलता हूँ मैं, तो इनकी जो मैं वाइब्स देख रहा हूँ एक सपोर्टिव वाला जो होता है कि आप करो मैं पीछे सुनूं, exactly. तो हमेशा हमारे पीछे दीवार बन के हैं। आप ही कुछ बताइए सर, आपसे जानना चाहूंगा कि मैम ने जो है पूरी इंडिया को प्राउड फील कराया, तो आपसे जानना चाहूंगा कि जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई पेजेंट में रिप्रेजेंट करना, तो आपका क्या रिएक्शन था और थोड़ा सा बताइए आपके हार्डवर्क के बारे में, आपकी जर्नी जो आपने उनके साथ जी है। हार्डवर्क तो आई थिंक इनका ही है, मेरा मैं बोलूंगा पीछे से बस एक उनको एक प्रोत्साहन देने का काम था पूरी जर्नी में। एंड एक मुझे लगता है मैंने इस पूरी जर्नी को बहुत क्लोजली देखा, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही अपने आप में कि इतनी सारी चीजें करती हैं। एंड मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट एवरी वुमन इज अ मल्टीटास्कर, एंड इनके केस में शायद डबल मल्टीटास्कर है बिकॉज प्रोफेशनली बहुत सारी चीजें करती हैं अलॉन्ग विद मैनेजिंग 3 children एंड हस्बैंड, तो वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज है। तो आई थिंक एक हस्बैंड का रोल यहाँ पे यही है कि बिलीव इन द पर्सन, एंड एक बहुत अच्छा कोट है टू बिकम एन अचीवर यू हैव टू बिकम अ बिलीवर, तो वो आई थिंक इन्होंने कॉन्स्टेंटली फॉलो किया अपने लिए। एंड पीछे से हम लोग का साथ हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा, एंड माय बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर एंडेवर्स आल्सो। थैंक यू जी। आप वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, वहां का जो एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें। सो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका गई, एंड अमेरिका में ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज से वुमेन थी, एंड यू नो द बिगेस्ट फर्स्ट बिगेस्ट थिंग विच आई सॉ वॉज द कोऑपरेशन, जो कोलैबोरेशन, मत कॉम्पिटिशन था बट वो कॉम्पिटिशन की भावना नहीं थी, किसी भी हर वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग विच आई लर्न देयर। जनरली इन सब कॉम्पिटिशन में लोग बहुत ज्यादा कम्पीटिंग होते हैं, कट थ्रोट होते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा कि हर कंट्री की वुमेन अपने वे से एक दूसरे को साथ दे रही, बिकॉज वो जो 7 दिन का जो पूरा इवेंट होता है उसमें दिन रात हमें लगा रहना पड़ता है, एंड बहुत इमोशनली फिजिकली वी आर ड्रेन्ड, सो इन दैट पर्पज वी यू नो वी नीड दैट सपोर्ट। That was the biggest thing. Plus, of course, time management. Everything was very different from India. What we saw, it was a very good experience. And what is next after this? Oh, that Vicky ji will say. I will not say abhi. Manager ji, abhi ke abhi. And we will start. Yes. Vicky ji, lastly, आपसे जानना चाहूँगा कि नया जो है office तो ले लिया है, यहाँ पर क्या-क्या होने वाला है? Casting हम जानते हैं, production भी आप कर रहे हो, क्या क्या और होने वाला है, क्या मोटो होने वाला है जो आपकी कंपनी है उसका, वो भी बता दीजिए हमारी ऑडियंस को।
देखिए ये बीजीसीसी फिल्म्स एंड कास्टिंग एक बीजीसीसी फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस भी है पिछले 2 साल से, ये ज़्यादातर पता नहीं था। और कास्टिंग तो जानते ही हैं सब बीजीसीसी के नाम से, मैं टैग लाइन लगा देता हूँ बीजीसीसी। तो कास्टिंग नए टैलेंट को देना काम, जैसे कि म्यूजिक वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, वेब सीरीज, फिल्म, 3-4 फिल्में अभी लाइन अप। तो जितने भी नए कलाकार हैं उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा से यही रहा हूँ कि जितने भी मेरी नज़र में लगता है कि मैं ये कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ये आदत है कि मैं थोड़ा बूस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से बेसिकली वो काम होगा जो लोगों की लाइफ ही नहीं, अगर बीजीसीसी फिल्म प्रोडक्शन से अगर मैसेज भी आ रहे हैं, बॉल आ रहे, तो कुछ करो, काम होगा, ऐसे नहीं कोई बुला रहे हैं। तो ये मेरा मकसद है। लास्टली मैम, अगर 2 लाइनें गुनगुना दे आप अपनी आवाज में, किसी भी तरह, कौन सा जो भी आप भजन का चल रहा है। एक सेकंड, मैं हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। थैंक यू सो मच। लता जी को डेडिकेट किया है क्योंकि शी इज माई गॉड मदर इन सिंगिंग, एंड बचपन से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं कभी उनसे मिलूं, बट ठीक है, उनका आशीर्वाद रहे तो मैं विक्की जी के साथ आगे बढ़ूंगी इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इतना प्राउड फील कर रहे हैं, और जिस तरह से मैरिड वुमन को लेके जो इंस्पिरेशन बन गई आज, वो क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? Well, both of us would like to congratulate Pragya Goswami ji for doing an excellent job in US representing India and actually coming out as a winner. And as you will see by her appearance, she looks like a winner. So she's a winner all the way, and we wish her all the very best. This is Sadhya. So Sadhya, if you'd like to say a word or two. I'm very happy for her, and she has of course made all of us proud. And being a feminist, I do support her. I would love to see her growing, and all of the ladies and women out there. So cheers to womanhood, and keep growing, keep shining, and keep making India proud. So all the very best wishes to you, Pragati. Sir, also Vicky sir ki aaj jo hai. And special congratulations to also Vicky ji for the launch of the office, and we wish him all the luck. He's a very hard working guy and very connected. So anybody listening to me on behalf of his office, support him, he's a great guy. Any plans to collaborate with him? We're doing it already. We're doing a movie. Yeah. We are announcing a couple of movies. I'm producing them, and Sadhya is going to be one of the actresses in one movie. विक्की जी को उनकी बीजीसीसी कास्टिंग के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। विक्की जी के साथ मैं फिल्म्स, वेब सीरीज, सॉन्ग्स कर रहा हूँ, इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हैं। So obviously, all the best wishes for his new office. And Pragya ji has won Miss Curve 2020 Globe 2024 Countrywide Award, and it is a very precious thing and to be proud of for everyone, because आजकल body shaming बहुत होती है, तो शायद इन्होंने एक benchmark बनाया है कि आज से लोग ऐसा ना करें तो motivation मिलती है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक confidence बहुत जरूरी है life में, तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने उसको एक परस्यू किया है और एक स्टेपिंग स्टोन किया है। तो एन ऑल द बेस्ट टू प्रज्ञा मैम एंड विक्की जी। थैंक यू। विक्की सर के साथ आप बहुत काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहे जो कर रहे हैं आप। देखिए, अभी विक्की जी के साथ मैंने सॉन्ग्स किए हैं, वेब सीरीज किए, एक हमारी मूवी आ रही है शटडाउन के नाम से, विक्की भाई के साथ किए। तो अभी जब डिस्क्लोज होगा, इसी साल रिलीज होगा, तो आप सबको पता चल जाएगा।
एंड या बाकी मेरे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप वेट कीजिए उनका। मेरी काफी फिल्म, वेब सीरीज और सॉन्ग्स रिलीज होते रहते हैं, अभी भी होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।